हैं मुंबई में, आपके घर में ये सब एक साथ आए थे, इनका भविष्य क्या दिख रहा है आपको? देखो, इनका भविष्य अच्छा है ही नहीं। नहीं अच्छा? ये पूरी तरह इस चुनाव में इनकी पिटाई हो जाएगी और हमें 400 पार जगह मिल जाएगी और बेचारे उनमें से अनेक लोग फिर निवृत्त हो जाएंगे राजनीति से। जी, अब अगली तस्वीर जो है वो नेताओं की नहीं है, अब वो फिल्मी, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, माया नगरी है, मुंबई है, तो कुछ फिल्मी कलाकारों की है। पूछते हैं आपसे कि आपके कौन पसंदीदा है, नेक्स्ट प्लीज। अब रणबीर कपूर पसंद है, रणबीर सिंह पसंद है, या विक्रांत मैसी पसंद है आपको? नहीं, मैं मेरी जनरेशन के हीरो को जो चॉइस है उसी में बोलना गडकरी। तीनों भी अच्छे हैं। एक तो पिक करिए ज्यादा अभी। अच्छा, लास्ट फिल्म किसकी देखी इन तीनों में से? और रणबीर की देखी थी मैंने। रणबीर की देखी? हाँ। कौन सी? वो जो एनिमल नाम नहीं, वो जो हमारे पेशवे के ऊपर जो थी ना, रणबीर। अच्छा 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 अच्छा, रणवीर बाजीराव मस्तानी। अच्छा अच्छा, आपने भी पॉलिटिकल दिया इसका जवाब पूरी तरह से। अगला देख लेते हैं, किसकी तस्वीर आ रही है, ये हीरोइंस की है पसंद, मतलब आपको इनमें से किसकी फिल्म देखी? तापसी पन्नू है, आलिया भट्ट है, कियारा आडवाणी है? नहीं, इन तीनों के भी फिल्में मैंने नहीं देखी। नहीं देखी? तीनों टॉप हीरोइन है देश की। देखो, एक बात बताता हूँ, ये जनरेशन के हीरो हीरोइन अलग अलग होते हैं। जी, अब हमारे जनरेशन में हमको तो अमिताभ बच्चन यही हमारा फेवरेट हीरो था। तो कॉलेज में किसका ट्रेंड फॉलो करते थे आप? कॉलेज में, जब कॉलेज में थे तो किसी का ट्रेंड फॉलो करते होंगे? अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन का फॉलो करते थे? मैंने एक बार उनको भी कहा, उनको भी कहा कि मैंने जंजीर 3 बार देखा, आनंद 3-4 बार, तो बेल बॉटम पैंट, लॉन्ग कॉलर सब डालते थे। वो फाइटिंग के पिक्चर पसंद आते थे। चलिए, आप राजनीति की बेला में जा रहे हैं, यानी आप चुनाव के संघर्ष में जा रहे हैं। ये लोकतंत्र का, भारत के महान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं नितिन जी, और न्यूज 18 भी बेबाकी के साथ इसकी कवरेज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हर सवाल का अपने बेबाक अंदाज में जवाब देने के लिए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए नितिन जी का। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू अमीश, थैंक यू मिनिस्टर।